अब हम लोग क्या करेंगे सर, इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना हम लोग अब आगे टॉपिक को कवर करते हैं वन बाय वन। घबराना नहीं है, आराम से धीरे धीरे देखना है, ठीक है, और कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, आराम से देखते हैं। हम लोग के पास पहला टॉपिक है सर, पहला टॉपिक क्या है हमारा सर, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो है वो है हमारा न्यूट्रिशन। आराम से स्टेप बाय स्टेप, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपको ये बायोलॉजी जो है हार्ड है या फिर नहीं आता, बिल्कुल क्लियर है। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, हमारे पास पहला जो एग्जांपल है या फिर फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या है सर, न्यूट्रिशन, जो हमने ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका और आप लोगों को पता भी है ना। तो पहले आप ये जानेंगे सर, इसको पहले सब समझते हैं इसके बारे में है क्या। तो सबसे पहला पूछेगा कि न्यूट्रिशन क्या है, तो बोलेंगे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ बायो केमिकल प्रोसेस। पहला लाइन तो आपको ये सबको क्लियर ही होना चाहिए, ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो पूछोगे किस तरह का प्रोसेस है सर, इसमें होता क्या है, मतलब कि इसका डेफिनेशन इसका क्या होता है, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है सर। ये एक ऐसा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और यह सब 7 क्लास से बताया जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ईटिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब ध्यान से सुनेंगे कि सर ये जब 7 क्लास में भी हम यही पढ़े हैं, 10th क्लास में भी यही पढ़ेंगे, तो कुछ डिफरेंस होगा सर। हाँ बिल्कुल डिफरेंस है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, पेशेंस को लूज नहीं करना, ठीक है, ध्यान समझो क्या बोल रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या होगा, तो वही बात हम लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटेक ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी। क्यों हम नहीं किए माउथ, क्यों, क्योंकि माउथ हम लोगों में होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के में माउथ नहीं होता, इसलिए हम सिंपली बोले क्या, इनसाइड आवर बॉडी। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, तो सर इसको हम आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक बात आया सर, ये फूड, और बहुत सारे बच्चे को तो इसका डेफिनेशन ही नहीं पता होता है, फूड क्या होता है ये भी पता नहीं है ना। तो सिंपल पहले मैं आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया देता हूँ फूड के बारे में, फूड क्या है। तो सर जरा सोचिए, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ, जरा सोचिएगा, हम एक स्पून या फिर एक चम्मच ग्लूकोज आपको दिए, ग्लूकोज जो ग्लूकोन डी जो पीते हैं ना, वो एक चम्मच ग्लूकोज वो पाउडर के रूप में, और एक टुकड़ा रोटी दे दिए, और बोले कि बताओ इन दोनों को पानी में दोनों कौन जल्दी से घुल जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाले बात है सर कि ग्लूकोज जो है वो सिंपल फॉर्म है, वो तुरंत घुल जाएगा। आपने यहाँ से एक नोट किया मेरे बात से कि सर ग्लूकोज जो है वो आपने बोला क्या कि सिंपल है इसलिए फटाफट घुल जाएगा सर, लेकिन रोटी इसलिए नहीं घुलेगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ से दो बात आ गया कि सर फूड क्या है, सिंपल है कॉम्प्लेक्स है, तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स है, पहला वर्ड आया यहाँ से। फिर सर आपको बताया गया होगा कि सर वो सबस्टांस, केमिकल सबस्टांस दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। अभी आपको उतना नहीं पता होगा लेकिन सुनिए क्या बोल रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक क्या होता है इनऑर्गेनिक। सर तो थोड़ा थोड़ा आइडिया अगर होगा, 8th क्लास में एसिड बेसन सॉल्ट में पढ़े थे सर कि ऑर्गेनिक एसिड उसको कहते थे जो लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, कॉमन सेंस, लिविंग थिंग्स में, वहाँ से पकड़ना है कि अगर वो लिविंग थिंग्स में पाया जाता है इसका मतलब कि लिविंग थिंग में बनता है, हो गया क्लियर, हमको जो चाहिए था वो हमको मिल चुका है। क्या हुआ बोले हम कि सर फूड क्या है, तो फूड एक कॉम्प्लेक्स आपने बोला, फिर क्या बोला, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक सबस्टांस है, क्यों, क्योंकि ये प्लांट में बनता है, क्यों, क्योंकि एनिमल जो है ना, कोई भी एनिमल फूड की तरह काम कर सकता है, कि मछली है फूड की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, चिकन है उसको फूड की तरह यूज़ करते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सर फूड जो है वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है, क्लियर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे सर फूड के बारे में, इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है इनसॉल्युबल, इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, ठीक है, विच कंटेन, आप लोग बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कंटेन व्हाट, न्यूट्रिएंट्स इन इट, को
कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि फूड क्या है, तो फूड एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन इट्स। अगर इसके अंदर में न्यूट्रिएंट होगा तो हम लोग को न्यूट्रिएंट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये बच्चे का थोड़ा, बहुत सारे बच्चे से हैं जो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में जो है ना कन्फ्यूजन करते हैं, है ना। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट दोनों अलग अलग चीज़ें। न्यूट्रिशन प्रोसेस है, मैं आपके लिए इधर से नोट लिख देता हूँ, ठीक है, कि सर पहले इसको देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स जो है वो साफ साफ आप देख लीजिए, वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जिसमें एग्जांपल में अगर हम बात करें तो सेवन तरह का मेनली क्या है, मेनली सेवन टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आप नाम सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट, सब कोई सुना है सर, कार्बोहाइड्रेट शुगर है ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। सेकेंड नंबर आप नाम सुने होंगे प्रोटीन, बिल्कुल प्रोटीन जो बॉडी बिल्डिंग है, हम लिख देंगे आपको, चिंता नहीं करिए, प्रोटीन हो गया। फिर आप नाम सुने होंगे लिपिड्स या फिर फैट्स, लिपिड्स एंड फैट्स, ऑयल का ही रूप है ये, ठीक है ना, फैट्स नाम सुन लिए। फिर आप नाम सुने होंगे विटामिन्स, विटामिन लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है इसको क्या, विटामिन्स पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है, विटामिन्स हो गया। फिर और क्या हो गया, आप नाम सुने होंगे रफेज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, मिनरल्स हो गया, मिनरल्स, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, वाटर, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि सर न्यूट्रिएंट्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड है, जो कि सात तरह का बेसिकली है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, रफेज, मिनरल, वाटर, गिन लीजिए साथ है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सर, ठीक है। तो चलो मैं आपको जब इतना बता देता थोड़ा सा और लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, हमको एनर्जी देगा, क्या देगा बता बच्चे, प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग है, हमारे शरीर के अंदर में जितने भी मसल्स हैं, हमारे शरीर के अंदर में जितने भी मांस है, मतलब कि मांस कब होता है, जब बॉडी ग्रो करता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन क्या हो गया बोलिए, बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। लिपिड्स और फैट क्या करेगा कि जो एनर्जी बॉडी यूज़ करना था जितना, उसको यूज़ किया, लेकिन जो बच गया एनर्जी, जो अनयूज्ड अनयूटिलाइज्ड एनर्जी जो बच गया, वो तो वेस्ट नहीं होगा, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है किसके, लिपिड और क्या, फैट के रूप में। मतलब क्या हो गया, फैट्स क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जब जरूरत होगी तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। विटामिन्स क्या है, विटामिन्स हमारे पास एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे शरीर के अंदर में नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान रखिए, आपको अगर पता होगा तो बात बता दें कि विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर में नहीं बनता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है इसकी, और ये हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उसको ढंग से होने के लिए, सुचारू ढंग से होने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। तो विटामिन्स क्या होगा बोलो, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी में मदद करेगा, ठीक है। रफेज प्रॉपर डाइजेशन में, प्रॉपर क्या हो गया, ऐसे फिर से लिख देते हैं, प्रॉपर डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर में फूड का पूरी तरीके से डाइजेशन हो। मिनरल्स और वाटर क्या हो गया, सेम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी में मदद करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सर कि न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट है, लेकिन न्यूट्रिशन क्या है, अब ये भी बताइए। पहला नंबर हम आपको बता दिए, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड सर न्यूट्रिशन में बहुत बच्चा कन्फ्यूजन करता है। न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है, वो क्या है, एक बायोकेमिकल, मैंने पहले भी लिखा है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ध्यान रखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है। हम क्या बोले, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, एकदम कंक्लूजन यहाँ पे आपको लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। कंक्लूजन क्या है, न्यूट्रिशन, बहुत सारा बच्चा गड़बड़ करता है इसमें, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट दोनों एक शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी आपको हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन का क्या बस डेफिनेशन आपको हम दिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। अब हमारे पास बात आता है सर कि न्यूट्रिएंट क्यों ज़रूरी है, न्यूट्रिशन जो है क्यों जरूरी, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ सर, इसमें से आंसर मिल चुका है सर। न्यूट्रिशन अगर नहीं करेंगे तो हमको फूड नहीं मिलेगा, और फूड हमको क्या देता है सर, इतने सारे चीज़ देता है, और इतने सारे अगर चीज़ नहीं अगर हमारे शरीर को मिलेगा, इतना सारा कंपोनेंट्स अगर हमारे शरीर को नहीं मिलेगा, तो क्या हमारा शरीर ढंग से काम करेगा, क्या हमारा शरीर वर्क करेगा, नहीं करेगा सर। तो कॉमन सेंस यहाँ आ गया कि विदाउट न्यूट्रिशन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में अगर लाइफ को मेंटेन करना है, लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करना है, तो उसके लिए इन सभी चीज़ों की क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये सब चीज़ कैसे मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स में, ये सब चीज़ है क्या, न्यूट्रिएंट्स है, और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, फूड से, और फूड को खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो विदाउट न्यूट्रिशन लाइफ कैन नॉट बी मेंटेन, समझ में आए बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक भी और भी लिख देता हूँ आपको एक लिए, ठीक है ना, एक बात। और दूसरा बात कि न्यूट्रिशन हेल्प्स अस टू मेंटेन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आया सर। न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या हमको मिलता है, क्या हम लेते हैं उसमें क्या मिलता है, और न्यूट्रिशन से हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो फटाफट इसको कॉपी करिए। अब मैं इसके ज़रा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।